बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। सॉर्टिंग बाय टेक्स्ट, नंबर, डेट और कलर एंड मल्टीपल ऑफ ऑल, दिस इज द पार्ट 2 ऑफ 4 लेक्चर 41। यही टेबल जिसको हम कंटिन्यू करते हैं, आज हम कुछ सॉर्टिंग कर रहे हैं। अब देखें, हमने ये होम टाइप पे हैं, होम पे हम एडिटिंग पे गए, एडिटिंग पे हमने कहे सॉर्ट एंड फिल्टर है, तो आज हम सॉर्टिंग देख रहे हैं। इसने कहा जी सॉर्ट ए टू जी, क्योंकि ये हम टेक्स्ट फील्ड पे हैं, तो मैंने कहा जनाब ओके, जनाब आप इसको ए टू जी सॉर्ट कर दीजिए। इसने इसको जो पहले ए से शुरू होते थे, उसने पहले वो हमारे फर्स्ट नेम पिकअप कर लिए और देन इसी तरह से उसने हमें बाकी सारा टेबल को सॉर्ट कर दिया, राइट जी। और अब अगर मैं इसको कहूँ जनाब आप इसको सॉर्ट करें फ्रॉम जी टू ए, तो इसने इसको जी टू ए सॉर्ट कर दिया, राइट। तो अब अगर मैं इस कर्सर को प्लेस करता हूँ इस नंबर पे, राइट, ये वैल्यू हो या नंबर हो, अब मैं इसको सॉर्टिंग पे आता हूँ। अब मैं शो करें सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, राइट जी। तो मैंने कहा ना आप इसको सॉर्ट कर दीजिए, इसने देखें स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट सॉर्ट कर दिया, पूरा टेबल आप चेक कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, राइट जी। फिर मैं कहता हूँ नहीं जब ऐसे करें, इसको आप सॉर्ट करें जो है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, इसने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट इसको सॉर्ट कर दिया, राइट। तो अब मैं अगर इसको प्लेस करूँ कर्सर को डेट पे, तो अब मुझे शो करेगा ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, ठीक है। तो मैंने इसको कहा ना ओके आप सॉर्ट कर दीजिए जी, जब डेट पे था मैंने कहा ना इसको सॉर्ट करें ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, इसने इसको ये सॉर्ट कर दिया। फिर मैं कहता हूँ आप ऐसे करें, इसको आप न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट सॉर्ट कर दें, तो इसने इसको न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट सॉर्ट कर दिया। अच्छा, ये हमारे पास था सिंगल जो है फील्ड सॉर्टिंग। सिंगल फील्ड सॉर्टिंग में आप सिंगल फील्ड तो सॉर्ट करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सारे के सारे जो हैं आपके साथ जो कॉलम्स हैं वो मूव नहीं कर रहे। आप जो है ये इस सब के सब इसमें जितने हैं इस सिंगल फील्ड में, वो सब आपस में लिंक हैं, पूरी रो लिंक है। अगर आप सिंगल फील्ड सॉर्ट करें, इसका कतई नहीं कोई पर्पज़ नहीं है कि सिर्फ उस फील्ड को सॉर्ट करेगा, ये जो है उसके साथ साथ पूरे जो इसका रो लिंक है उसको सॉर्ट करेगा, राइट जी। तो अभी हम चलते हैं मल्टीपल फील्ड सॉर्टिंग पे। अब देखें मल्टीपल फील्ड सॉर्टिंग के पे हमें रीच करने के दो तरीके, ये देखें हमारे पास जो है कस्टम सॉर्ट है, हम यहाँ से भी इस टेबल पे रीच कर सकते हैं, ठीक है जी। और मैं यहाँ पर डाटा पर जाऊँ तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास सॉर्ट है, अगेन ये जो है हम इसको सॉर्टिंग यहाँ से भी कर सकते हैं, तो दोनों तरीके से हम यहाँ पर पहुँच सकते हैं, राइट। तो मैंने अब इसको कहा कि नाम ओके, अब देखें मेरे पास ये है कि इसने, क्योंकि हायर डेट पे मेरा ये कर्सर था इसने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन यहाँ पे मेरे पास बहुत जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि मैं कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, राइट। मैंने कहा आप ऐसे करें कि आप जो है मुझे लास्ट नेम पर सॉर्ट कर दें इसको, राइट। और ये इसने जी टू ए पिक किया, मैं कहता हूँ आप जो है ए टू जी पिक कर लें। जब भी जैसे मैंने कहा हमारे पास टेक्स्ट होगा तो ये हमें बताएगा ए टू जी है या जी टू ए है, राइट। मैंने कहा आप ओके ऐड करता हूँ, मैंने ना इसमें लेवल ऐड किया कि आप ऐसे करें कि पहले देखें सॉर्ट बाई लास्ट नेम देन बाई, देन क्या इसके बाद आपने क्या करना है, पहले आपने ये काम करना है, सेकंड आप ऐसे करें कि फर्स्ट नेम भी सॉर्ट कर दें और ये भी ए टू जी हो। हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, जी टू ए भी कर सकते हैं, राइट। तो मैंने उसको ओके प्रेस किया। अब देखिए इसने क्या किया कि यहाँ पर जो है जो लास्ट नेम पहले सॉर्ट किया, फिर इसने फर्स्ट नेम सॉर्ट किया एज पर दिया था, राइट जी। अब देखिए अब्बास है, अफजल है, अफजल दो हैं, तो इसने पहले एम है फिर एस है, अहमद दो हैं तो पहले अमजद है फिर शाहिद है, ये अली हमारे पास बहुत सारे हैं, राइट जी। अली में देखें एहसन है, अरशद जो तीन दफ़ा आ रहा है, अली 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 हमारे पास आ रहा है, राइट। तो ये हमने इसको आसिफ है, इसमें अली, तो ये एंड तक फर्स्ट प्रायोरिटी ये है, सेकेंड प्रायोरिटी ये है, तो ये हमारी सॉर्टिंग इसने कर दी है। जहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू होंगी तो वो क्या करेगा, हम उसको सेकेंड इसमें फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं, और यही अगर हमारे पास डेट्स होंगी तो डेट पर भी हम जो है इसी फिल्टर को अप्लाई कर सकते हैं, राइट।
अब अगर जो है आप इसमें कि और फिल्टर ऐड करना चाहें, मैं कहता हूँ क्योंकि अरशद जो हैं ये तो तीन है, तो आप इसको ऐसा करें कि इसको आप लोकेशन वाइज भी, मैंने जनाब इसको ओके कहा तो अब इसने स्टार्ट कर दिया। अब देखें जब यहाँ पर ये तीन अरशद आ रहे हैं तो इसने जो पहले ये से स्टार्ट किया था, फिर अरशद आ गए, फिर मैंने इसको क्या कहा था कि आप इसको कैसे लोकेशन से स्टार्ट करें, तो इसने पहले ये लोकेशन लिए इस्लामाबाद कराची लाहौर, राइट। तो इसको मैं आगे जो है डिपार्टमेंट के भी एक और फिल्टर लगा के इसको यहाँ पे भी सॉर्ट कर सकता हूँ, राइट। तो इस तरह से हम जो है डिफरेंट सॉर्टिंग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर डेट्स हमारे पास डुप्लीकेट हैं, डेट पे भी हम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट फिल्टर एंड सेकेंड फिल्टर, ये हमारे पास फिल्टर की प्रायोरिटी है, राइट जी। अब हम फिर जो है सॉर्टिंग पे जाते हैं। अब मैं कहता हूँ कि आप ऐसे करें कि देखें ये जहाँ पर ये हाईलाइटेड होगा, अगर मैं इसमें ऐड लेवल करूँगा तो इसके फ़ौरन बाद ही लेवल ऐड करेगा, राइट। और अगर मैं इसको डिलीट पे करूँगा तो जो हाईलाइटेड होगा उसी को ये डिलीट कर देगा, राइट, लेवल ऐड कर देता। कॉपी में भी लेवल ऐसे ही ऐड करता है। तो अब हम देखते हैं, एकदम मैं इसको डिलीट करता हूँ, मैंने इसको भी डिलीट कर दिया, मैंने कहा लास्ट नेम सेल वैल्यू को बजाय मैं कहता हूँ आप ऐसा करें कि आप जो है, अब देखें दो चीज़ें हैं, एक सेल कलर है और एक फॉन्ट कलर है, इनिशियल फॉर्मेटिंग हम बाद में देख लेंगे। मैं कहता हूँ जनाब ऐसे करें कि आप जो है वो सेल कलर से इसको सॉर्ट करें, राइट। अब वो कहता है कि जनाब आपने कौन सा कलर इसमें सेलेक्ट करना है लास्ट नेम में, मैं कहता हूँ मुझे जनाब पहले आप इस कलर को आप सेलेक्ट कर दें, फिर मैं कहता हूँ जनाब कॉपी लेवल करता हूँ, तो इसने देखें उसको पूरे उसको कॉपी कर दिया। मैं कहता हूँ ना अब जो आप कलर देखें वो ले लें आप, ये ले लें आप, राइट। फिर जो है अगर मैं दोबारा इसको कॉपी करूँ तो यहाँ मैं फिर कलर चेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ ना आप इसके ये कलर कर लें, ऑन टॉप ले हैं ये हमारे पास पोजिशन है, हम टॉप ले हैं या ऑन बॉटम ले हैं, व्हाट्स एवर जो हमारे पास है हम उसको ऑन टॉप ले आते हैं। तो ये सॉर्ट बाई पहले कमांड ये है, सेकेंड इसी कमांड ये है, थर्ड इसी कमांड ये है। तो जब मैंने इसको ओके किया तो इसने देखें इसी जो है प्रायोरिटी में हमारी ये सॉर्टिंग कर दी है। अच्छा यहाँ पर आप एक और चीज़ देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने कुछ जो हैं वो फॉन्ट चेंज किए हैं, ये देखें ये फॉन्ट्स हैं, राइट। और कहीं कहीं मैंने ये जो है सिर्फ एक ही सेल को कलर किया हुआ है। अब ये जो सेल है ये फर्स्ट नेम पे है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसको भी जो है हम डिस्कस कर लेते हैं, राइट, कि अगर एक सेल में कलर है तो उसको कैसे करना। आप अंडू करेंगे तो ये अंडू कर लेगा, राइट, ये सारा हमारे पास वापस चला गया। अब मैं कहता हूँ ना आप जो है वो सॉर्ट करें, मैं इस सब लेवल डिलीट कर देता हूँ। अब आप ऐसे करें कि इसमें मैं एड लेवल किया, अब आप सॉर्ट करें फर्स्ट नेम को, और जो है मेरे पास कलर हो नो कलर ने दिया। अब देखें रेड भी से शो कर दिया, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक सेल है जो रेड शो कर रहा है, तो मैंने इसको कहना आप रेड से इसको जो करें ऑन टॉप है, मैंने इसको ओके कर दिया। अब देखें वो जो चंद एक सेल्स जिनका कलर रेड था इसने पहले उनको टॉप पे लेके आया, राइट। तो ये ज़रूरी नहीं कि हमारी पूरी रो जो है कलर की हो, हम जो है अगर चंद एक सेल्स पे हमने कलर किया हुआ, हमें पता है कि हमने इसलिए कलर किया कि इसको हमने बाद में ठीक करना है, तो हम इसको इस तरह से भी जो है वो सॉर्ट कर सकते हैं। और एक क्विकली हम एक और देख लेते हैं, वो ये है कि मैं कहता हूँ जनाब ऐसे करें कि आप जाएं डिपार्टमेंट में, और डिपार्टमेंट में आप जो है सेल कलर के बजाय फॉन्ट कलर देखें आप, या जिसने कहा ऑटोमेटिक कर दें, यहाँ पे दो कलर है, मैंने कहा ठीक है आप ऐसे करें पहले रेड को लें और फिर जो है एक आप इसको लेवल कॉपी करें, फिर यहाँ आप रेड की बजाय आप जो है ना ब्लू लें। तो ये सॉर्ट बाय देन बाय ऑर्डर हमने दे दिया, इसको हमने ओके किया। तो ये देखें ये इसने डिपार्टमेंट में वो जो हमने फॉन्ट जिनके चेंज किए हुए थे रेड थे पहले वो लेके आया, फिर वापस ये ब्लू लेके आया। तो इस तरह से जिस लोकेशन पे हम लोकेशन पे जाएंगे तो ये कलर है, तो हम क्या कर सकते हैं कि वी कैन सॉर्ट बाय
कलर इन द सेल और बाय द फॉन्ट ऑफ द जो सेल है। इस तरह से हम इसको सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। तो ये हमारा पार्ट टू कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच। इसको हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत शुक्रिया।